सबसे पहले सलमान जिस मैं मिला था सलमान खान से, राजश्री प्रोडक्शन की एक पिक्चर थी, मैंने प्यार किया। उसका ट्रायल पे गए थे हम लोग राजश्री में, मैं, एस रामनाथन, प्रयागराज, तीनों हम लोग पिक्चर देख रहे थे। तो पिक्चर हम लोग ने देखा तो पहले सलमान, मतलब एक पहली बार देख रहा उसका पिक्चर, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। जैसे जैसे पिक्चर देखते गए देखते गए देखते गए, लड़का मतलब कमाल का मतलब एक्टर लगा। एंड पिक्चर ख़त्म हो गए, मैं बोला, मैं एस रामनाथन जी को बोला जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, मैं बोला सर इनको कल बुला के साइन कर लो इनको। तो उन्होंने बोल दिया। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में आए सलमान जी, आके उन्होंने 5,000 रुपये दे दिया, भाई साइनिंग अमाउंट ये वो। तो उसके बाद वो मुलाकात हमारी हो गई। मुलाकात के बाद फिर अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ। एंड फिर हम लोग का साजन का सेटअप बना। साजन का सेटअप में जब हम काम कर रहे थे तो बहुत ही मस्ती मजाक से काम किया हम लोग ने। एंड वो साजन पिक्चर के बाद, साजन में जितना भी मतलब शूटिंग का टाइम में संजू बाबू और सलमान भाई का जो जो मस्ती था सेट पे, इवन सीरियस सीन में भी इतना मस्ती करते थे वो लोग। एंड शॉर्ट का टाइम में दोनों सीरियस हो जाते थे, तो इतना मतलब मस्ती थे। एंड सलमान भाई का एक ऐसा है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे अच्छे इंसान है तो सलमान भाई है, क्योंकि वो एक एक फैमिली फैमिली जैसा हमारा, हमारे साथ जो हम लोग का फैमिली को बहुत प्यार करता है। एंड हमारे साथ साजन के बाद दिल तेरा आशिक एक पिक्चर मैंने किया है सलमान एंड माधुरी जी, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया काम करते। एंड उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। क्या इम्प्रेशन था आपको उनके बारे में? पहले तो आपने जब उनकी पहली फिल्म देखी और जब आप उनसे पहली बार मिले अगले दिन जब आपने उनको हाँ बताया, जी, तो हाँ जी, जब वो पहली मुलाकात थी तो क्या पहला इम्प्रेशन पड़ा था उनको देखकर? सलमान खान जो एक स्टार सन है, हाँ जी, तो कितने उनमें एक स्टार सन होने के गुण थे या कितने सिंपल थे, कितने सोबर थे, या एक वो स्टार सन होने के एक एटीट्यूड होना, एक उस तरह से नहीं, उनका उनका एक होना? नेचर ऐसा था पहले से, लेकिन अभी तक ऐसे ही क्या वैसे ही है। एक अच्छे मिजाज के, अच्छे नेचर के इंसान हैं। और जब पहली बार भी मिला मैं उनके साथ, उनके मिलने के बाद जो अभी तक वही प्यार से मिलते हैं जैसा पहले था, अभी भी वैसे ही है। और उस वक्त मैंने जब साइन करा था, मैं जब डायरेक्टर ने बना हुआ था तो मैं कैमरामैन था, तो मैं एज अ कैमरामैन, और मैंने उनको बोला कि इनको साइन करके रखो। तो उनका पिक्चर तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ जैसा पिक्चर है मेरा शुरू हो गया, साजन वगैरह बनाई पिक्चर, तो फिर मज़ा आ गया काम करने में। जब साजन जब चालू हुई, जब सेट पे आए सलमान खान, तब उस शूटिंग के दौरान के बारे में हम बताएं, मस्ती मजाक के दौरान मस्ती शूटिंग बाकी? के बारे में एक मुझे याद है कि भड़क गए थे। भड़क गए मीन्स उनको एक, मैंने सीन था लंबा, एक 100 फीट टॉले शॉट था माधुरी और सलमान का, एंड लंबा डायलॉग था। तो आपने साजन देखी हो तो एक सीन है जो रेस्टोरेंट में जब एकता आती है, एंड वहाँ पे वो देखते हैं किसके साथ बैठा है, एंड वो बोला पंखा वाला, एक सीन है लंबा चौड़ा सीन था। मुझे एक ही शॉट में चाहिए था, उससे लंबा 100 फीट का ट्रॉली लगा और मतलब मुझे वन शॉट। वो रिहर्सल करते 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 को एक दिन बड़ा गया, मुझे नहीं करना, मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये लास्ट पिक्चर है मेरा। तो वैसे भड़क गए थे, बोला कुछ नहीं, करते करते बहुत अच्छा शॉट दिया बाद में, क्योंकि एक तो तरफ से माधुरी जी थे वहाँ पे सामने और इतना लंबा डायलॉग्स था, तो मस्ती मस्ती में बोला ये उसी टाइम में एक बार वो भड़क गए थे, बोला मतलब वो तो ना इरिटेटेड जैसा हो गए थे, इतना लंबा डायलॉग याद नहीं रह रहा था ऐसा। अदरवाइज वो पूरा पिक्चर में हम लोग बहुत मस्ती किया, एंड कैसे पिक्चर ख़त्म हो गया हमको भी नहीं मालूम, इतना मस्ती में। इवन दिल तेरा आशिक हमने साथ में गए, वो भी पिक्चर बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई। आपको मनाना पड़ा था उनको वो सीन करने के लिए या वो खुद नहीं मना? नहीं मना मतलब मनाना पड़ा, मतलब नहीं हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस दिला, मतलब हो जाएगा, बोला दो रिहर्सल और करो, अकेले रिहर्सल करो, तो फिर कर लिया उन्होंने। मस्ती मजाक सलमान भाई के बारे में हमेशा से सुना है, बस ये तो थी सलमान भाई की हंसी मजाक मस्ती मजाक करना सेट हाँ जी, पर एज एन एक्टर आपने क्या उनमें नोटिस किया? एज एन एक्टर कितने अच्छे एक्टर थे? एज एन एक्टर सलमान खान कितने पसंद है आपको? जब आपने उन्हें डायरेक्ट किया, जब आप उन्हें कुछ बताते थे, कितनी आसानी से वो कर पाते थे? और दोज डेज ऑफ सलमान खान हाँ एज एन जी, एक्टर,
एज ए एक्टर बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि जो चीज़ में मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल जाते थे। कि अगर कॉमेडी सीक्वेंस है तो कॉमेडी करता था, अगर सीरियस है इमोशंस सीन्स है वगैरह जैसा बोलते वैसे वो जल्दी करता। ऐसे नहीं कि भाई बहुत सारा उसको रिहर्सल करना पड़ता था और कुछ भी नहीं, एक बार बोल दिया कि दोनों मतलब सलमान भाई और संजू बाबा दोनों मतलब ऐसे अच्छे करते थे। आपके और उनके टर्म्स कैसे थे पर्सनली एज अ मेरा डायरेक्टर? पर्सनली डायरेक्टर से ज़्यादा एक फैमिली जैसा रिलेशन हम लोग का था। एंड इवन उनके फादर और मम्मी जो है बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि एज अ कैमरामैन जब मैं कैमरामैन था तब से मैं उनको जानता था समय, लेकिन साथ में काम नहीं किया था, जस्ट हाय हेलो ऐसा ये था। लेकिन एज अ डायरेक्टर बनने के बाद भी इवन आज तक मतलब आज भी अगर हम जाते हैं तो वो दिल से जो होता है ना कि भाई दिल से गले मिलना होता है, दिल से प्यार करना होता है, वो चीज़ अभी भी है उनके साथ। अब और मैं मिलता हूँ कभी बहुत मतलब 6 महीने में एक बार जाके मिलता हूँ, या बर्थडे पे उनका फार्म हाउस पे जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत धमाल हो जाता है। फिर वो फिर घूम फिर के आएगा, जहीं से भी आएगा फिर आके गले मिलेगा, फिर मतलब इतना इमोशनल भी होते हैं हम लोग। लेकिन जब उनका अरेस्ट हुए थे गुजरात में तभी बहुत ही मतलब ऐसा दुख हुआ कि आने के बाद मैं वहीं पे घर पे ही था जब भी अभी लास्ट जब छुट के आए थे वहाँ पे, एंड घर पे थे तो मतलब इतना इमोशनली है ना उसका जो एक चीज़ बताया कि वहाँ इतना तकलीफ और बाथरूम के बारे में इसके बारे में, तो मेरे आँख में से आंसू आया कि यार इतना अच्छा आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड इतना मतलब अच्छे में इंसान मीन्स जैसा भी, ये भी नहीं कि कुछ किसी को हेल्प करके बम बम करने वाले भी नहीं, जैसे अनाथ आश्रम में इतना हेल्प करते हैं छोटे बच्चों के लिए, वो करते हैं हर तरफ से वो करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है उनके घर में जो जो बरकत मीन्स मैं हमेशा देखा उनके घर में कि 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उनका जो घर में जो खाना जो टेबल पर लगता है वो मतलब कोई भी अगर उनका घर में आता है वो बिगर का है वो वहाँ से नहीं जाते हैं। तो वो एक चीज़ उनका फैमिली के अंदर, एंड इवन उनका तीनों दोनों भाइयों भी अच्छा है, सोहेल जी भी अच्छा है, अरबाज भी है, अरबाज के साथ भी मैंने काम किया है, अरबाज के साथ मैंने अभी वो प्यार के गीत एल्बम बनाए थे, तो बहुत ही अच्छा है ये है। एंड सलमान भाई का तो बात ही अलग है। सर, आपने सलमान भाई की एक इमोशनल साइड के बारे में हमें बताया, और एक वो आपने इंसिडेंट बताया जब वो जयपुर से छूट के आए थे, आपने बताया आप वहाँ पर मौजूद थे। तो हम जानना चाहेंगे सलमान भाई का जो एक इमोशनल साइड है, आपने बताया कि वो काफ़ी इमोशनल था और सीन काफ़ी इमोशनल था, हाँ जी, वो पर्सनली कितने इमोशनल हैं? और जब उन्होंने आपको बताया तो कुछ उस इंसिडेंट के बारे में बताएं कि वो जेल के बारे में उन्होंने आपको क्या क्या बताया, किस तरह से उनको निकालना क्योंकि पड़ा, और वो पर्सनली कितने अपसेट थे उस चीज़ को लेकर, और क्या व्हाट ऑल डिड यू हैव टू गो थ्रू वहाँ पे जेल मीन्स में? देखिए आज चलो ये तो आशा हो गया, और वही तो कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि ये चीज़। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये केवल ऐसा मतलब कि जेल या ऐसा बाथरूम जो है ना किसी मतलब किसी को भी ऐसा नहीं दे भगवान सजा जो है, तो इतना मतलब इमोशनली बोला कि एक मतलब एक 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 दिन निकालना मुश्किल हो गए थे उनको वहाँ पे। सो फिर शायद वहाँ पे पैसा दे के बाथरूम वगैरह बनवाया उन्होंने, वो सब बनवाए सुना मैंने ऐसा। एंड बहुत ही हम लोग दोनों बैठे हुए थे और रात को सुबह 4-5 बजे तक बैठ गए थे हम लोग बैठ के, फिर वही बातें चल रहे थे, फिर मेरे आंखों में इतना आंसू भर के आया, फिर उसे साफ ऑफ किया उसने, फिर गले वले मिले, फिर हम लोग खाना वाना खाया रात को, फिर आ गए वहाँ से। सलमान भाई सुनाए कि मुश्किल टाइम में भी हंसते हंसते वो ये सब दिन निकालते हैं, तो उस टाइम क्या वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे कि उनके साथ ये सब हो रहा था? हाँ इमोशनल तो होते हैं ना, क्योंकि देखिए एक आदमी इतना बड़ा आज नाम है इतना सब कुछ होने के बाद, और उनको हर टाइम जो अच्छा ही है उनके अच्छा है मतलब जो कर रहे हैं ना गरीब लोगों के लिए अनाथ आश्रम, वो जो है ना उनका जो वो जो कर रहे हैं उनको अभी वो चीज़ सब काम आता है उनको, जो अच्छा है जो जो है ना, जैसा भी ये सब केसेस वगैरह हो गया पता लग कुछ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया ये हो, मतलब पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों होता है। ये आपने काफ़ी अच्छी बात बोली, पता नहीं उनके साथ क्यों होता है। काफ़ी लोगों से मैंने बात भी करी, सब काफ़ी लोगों के इंटरव्यू भी कर, सबका कहना है एक इंसान काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो लोगों ने, मीडिया ने, उनके फैंस ने उन्हें जो मिसअंडरस्टैंड किया है, हाँ ही जी इज़ बीन अ मिसअंडरस्टूड एक्टर। लोग कहते हैं कि एक इंसान अच्छा है लेकिन हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में लगे रहे, तो आपको क्या लगता है सर ये सब क्यों हो रहा है, दैट वो हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्सी में या कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कोई ट्रबल में फंस देखिए जाते हैं? प्रॉब्लम में फंस जाते हैं लेकिन अच्छा इंसान होने के बाद प्यार से निकल भी जाते हैं,
एक जो दुआएं जो है लोगों का, दुआएं जो है वो वही तो काम आता है आगे, जो अच्छे चीज़ करते हैं तो अच्छे चीज़ पता नहीं चलता कि सलमान भाई ने अच्छे चीज़ किया, किसी को नहीं बताते हैं वो, लेकिन ये जो सब चीज़ें जो प्यार से निकल जाते हैं ना, तो वो काउंट होता है कि भाई अच्छी चीज़ उसमें से भाई उनको निकल आ गया वहाँ से। जो उनका ये था हिट एंड रन वाला जो केस था, उनका बेकरी वाला जहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, कहते हैं नोटबुक के दारू पी के चला रहे थे, तो आप काफ़ी पर्सनली उन्हें अच्छे से जानते हैं, क्या कभी आपने उन्हें ऐसे देखा है एज अ पर्सन कि हाँ इज मतलब मस्ती में इतने वो खो चुके हैं कि इज आउट ऑफ कंट्रोल या उस तरह से? वी वांट टू नो मोर मतलब उस मुझे मतलब हमने भी बहुत सारा उनके साथ ड्रिंक किया साथ में, घर पे बहुत ही ड्रिंक किया, लेकिन ड्रिंक करने के बाद बड़ा मस्ती में रहते हैं वो, मस्ती में मतलब लाफ्टर जो उस गले मिलना, मतलब इतना प्यारे हो जाते हैं छोटे बच्चे जैसे। तो एक होता है ना कि अचानक कभी कभी है ना, टाइम जब आदमी का ख़राब होता है ना कुछ हो जाता है जो आदमी सोचता भी नहीं। जैसा हम लोग अभी घर से निकलते हैं, घर से निकलने हम सोचेंगे भाई हम लोग चलते हैं अपना काम करके आ जाते हैं, और रास्ते में हमारे साथ क्या होता है हमको नहीं मालूम, रिक्शा पलटी भी हो सकता है, गाड़ी आके टोक, खड़े खड़े इंसान को गाड़ी टोक के निकल जाती है। सो इसमें एक होता है कि टाइम आदमी का जब खराब, उस वक्त खराब टाइम आता है तो कुछ भी हो सकता है, ये सलमान भाई का गलती नहीं है ये। हाँ और जो फैमिली सपोर्ट है सलमान भाई के साथ, वो जी, किस तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर है घर का, हमें बताएं जो उनके साथ? फैमिली तो कमाल का फैमिली है उनका, जो एकता है फैमिली के अंदर उनका, और जो प्यार है वो मुझे नहीं लगता है किसी, और भी लोग हैं अब, और भी पैसे वाले हैं सब कुछ है, लेकिन इनका जो प्यार देखता हूँ तो बोला ऐसा भगवान के हर फैमिली को ऐसा प्यार दे। एंड सलीम भाई जो हैं, उनकी मम्मी हैं और बाकी जो घर में भाई लोग हैं, इतना प्यार से रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मैं जाता हूँ, मैं बहुत कम मिलता हूँ आजकल, बिकॉज़ आजकल वो कॉर्पोरेट हाउस आ गए एंड बड़े पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, तो हम लोग का सेटअप जो है वो बन नहीं पा रहा है कभी भी। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं पिक्चर की बात नहीं करता हूँ, जस्ट ऐसे मिल के आता हूँ। एंड वहाँ जब भी मैं जाता हूँ उनके फादर उनके मम्मी इतना प्यार से मतलब बिठाएंगे, चाय पानी पूछेंगे और सब कुछ, क्या हो रहा है लॉरेंस, कुछ शुरू करो, ये करो वो करो, मतलब हाँ सर करते हैं, तो ये बात है। एक चीज जो हम उनके बारे में अपार्ट फ्रॉम हिज इमोशनल साइड, जहाँ पे उन्होंने एक तरफ इतनी अच्छे अच्छे सोशल वैल्यूज उनके और इतने अच्छे इश्यूज से वो जुड़े हुए हैं, डोनेशन करना ये करना, दूसरी तरफ एक तरफ ये सब प्रॉब्लम चलती है, और जहाँ हम दूसरे लोगों से बात करते हैं सब सलमान खान के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, और मीडिया और इन सब चीज़ों में जहाँ उनके बारे में आता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन, इस चीज़ में फंसे इस चीज़ में फंसे, लेकिन हमने कभी सलमान भाई को खुद कैमरा में आते हुए नहीं देखा कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, तो व्हाट इज दैट क्वालिटी अबाउट हिम कि आज जब जानते हुए भी इतना करने के बावजूद लोगों के लिए वो अपने आप को सही प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, अपने आप अपने बारे में कुछ बोलते नहीं है, वो ऐसी क्या है उनके बारे में जो अपने तक उन्होंने दबा के रखी हुई? क्यों, देखिए आज कोई भी छोटी भी चीज़ होता है, जैसा अभी आज भी बैठा हूँ मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, जैसे मीडिया, जो मीडिया जो है इतने आपको दिखा 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 के लोगों का दिमाग में ऐसा डाल देते हैं कि ये चीज़ ये बार 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 दिखाते हैं, तो उसके बाद वो इंसान क्या कर सकता है अपना सफाई फेस करने में भी। अगर मैं सच भी बोलता है आदमी तो लोग बोलते हैं नहीं यार ऐसे ऐसे बोलता है, एक्टिंग कर रहा होगा, कि एक चीज़ है ना बोल के फ़ायदा, लेकिन वो हमेशा इवन जब गुजरात से जब आया वो, उसका फेस पे बिल्कुल वो नहीं थी कि भाई इतना तकलीफ़ उठा के आया, वही आस्था हुआ सबको गले मिलना, ये करना वो करना, चलो ड्रिंक बनाओ पियो ये वो, मतलब इस टाइप का आदमी, मतलब उसका फेस पे वही चीज़ आता ही भी नहीं है, कुछ चीज़ के कोई टेंशन है, टेंशन से आया या कोई मीडिया ने ये किया वो किया, कभी मैंने देखा नहीं उनका फेस पे टेंशन। ब्लैकबक केस हुआ था उनका राजस्थान में भी, उस केस के बारे में क्या जानते हैं आप और देखिए क्या सुना अभी है वो आपने? केस देखिए अभी, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार है तो वो एक उसने फायरिंग किया या जो भी किया, तो क्योंकि वो स्टार है इसके लिए आता है, जो पीछे जो शिकार करके जो खाते हैं पीते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग जो शिकार करते हैं ये करते हैं, तो वो पकड़ा नहीं जाते हैं, वो खा पी के मस्त है वो लोग, ये क्योंकि ये स्टार है, ये स्टार है इसके लिए मीडिया भी पीछे पड़ती है एंड सब लोग उनके पीछे पड़ते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा हीरो है चलो उसका पीछे पड़ो, तो ये सब चीज़ें जो शिकार कौन नहीं करता, शिकार तो सभी करते हैं।